नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेदसाई का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की चटपटी सी सब्जी। चाहे हम मक्के की पूरी बनाएं, चाहे हम दाल की कचौरी बनाएं, बेसन की कचौरी बनाएं, मटर की कचौरी बनाएं, या फिर हम पूरियां बनाएं, अलग अलग तरीके के परांठे बनाएं, और उन सब के साथ कॉम्बिनेशन जाता है जो सबसे बेस्ट होता है, वो होता है आलू की सब्जी का। और ऐसा कौन बंदा है जिसे कचौरी और आलू की सब्जी पसंद ना हो। सुबह का ब्रेकफास्ट हो और हमें कहीं बाहर खाना है तो सबसे पहले याद आता है कचौरी सब्जी। तो आज वही सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत चटपटी सी और मसालेदार ये सब्जी बनेगी। और मैंने इस सब्जी को सर्व किया था मक्के की पूरी के साथ, जिसको मैंने कल के व्लॉग में डाला था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में आलू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी के लिए सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल का लिया है, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ सब्जी की, आप जितनी क्वांटिटी में सब्जी बनाएं उस हिसाब से यहाँ पे मसालों को और चीज़ों को एडजस्ट कर लें। और जैसे ही तेल गर्म हुआ अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था तेज पत्ता, साथ में मैंने डाली थी 5 से 6 काली मिर्च, 3 से 4 मैंने यहाँ पे लौंग डाली थी, और उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया जीरा। जैसे ही जीरा गरम हुआ, उसने कलर चेंज करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे डाल दी हल्दी। हल्दी मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाली है। फिर मैंने डाली है लाल मिर्च। मैं इस सब्जी में देगी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि देगी मिर्च बिल्कुल लाल कलर कर देती है। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर। साथ में मैंने यहाँ पे डाली थी हींग। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर अच्छे से चॉप करके रखे थे। उसके साथ मैंने डाला था थोड़ा सा कसा हुआ अदरक और एक हरी मिर्च, जिसको मैंने लेंथवाइज काटा था, तो उसको मैं यहाँ पे मसालों में डाल दूंगी। और जब आप मसाले भून रहे हैं तो आप गैस को बिल्कुल स्लो रखें, ताकि हमारे मसाले जले ना। और जैसे ही मैंने यहाँ पे टमाटर डाले थे, मैंने टमाटर के साथ डाल दिया था यहाँ पे नमक। नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा डाला था काला नमक। अगर आप 1 चम्मच नॉर्मल नमक डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालें। काला नमक आपकी सब्जी के फ्लेवर को बिल्कुल चेंज कर देगा और बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। और देखिए 3 से 4 मिनट बाद हमारा कितना अच्छा टमाटर का पेस्ट बन गया है। सारे मसाले भून गए हैं, टमाटर बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में चेंज हो गए हैं, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे डाले हैं आलू। आलू थे मेरे 3 से 4 बड़े साइज के, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल करके यहाँ पे फोड़ लिया था, रफली फोड़ लिया था। और उसके बाद आलू डालते ही मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी। पानी आप इस हिसाब से डालिए, आपको कितनी सब्जी गाढ़ी रखनी है, कितनी आपको सब्जी पतली रखनी है, उसके रेशो में आप यहाँ पर पानी डालें। और उसके बाद जैसे ही बॉईल आना शुरू हुआ, मैंने 4 से 5 मिनट इसे ओपन करके पकाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी को ढक दिया था, जिससे हमारी सब्जी अच्छे से भाप में पक रही थी, पानी अच्छे से पक रहा था और सब्जी बिल्कुल मिक्स हो रही थी। और इसी स्टेज पे अब मैंने डाला है यहाँ पे भुना जीरा। तो भुना जीरा आप ज़रूर डालें, भुना जीरा आपकी सब्जी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। साथ में मैंने डाली है भुनी हुई कसूरी मेथी। इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और गरम मसाला। तो ये 4 मसाले मैंने बाद में डाले हैं, जिसमें अमचूर पाउडर है, गरम मसाला है, भुना हुआ जीरा है और कसूरी मेथी है। तो आप इन 4 मसालों को ज़रूर ज़रूर इस सब्जी में शामिल करें। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी अच्छी सी क्वांटिटी में हरा धनिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरे धनिया के बिना ये सारी सब्जियाँ अधूरी होती हैं। अगर आपके घर में पसंद नहीं है किसी को, तो आप थोड़ी सी सब्जी पहले अलग निकाल दीजिए और उसी सब्जी में आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सी लिपटवा सी ये सब्जी बनी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है। और इस सब्जी को आप अच्छे से पकाते रहिए, और कितना अच्छा इसका कलर आया है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली सब्जी। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इसमें देगी मिर्च नहीं डाली थी, अगर हम देगी मिर्च डालते तो ये सब्जी बिल्कुल रेड कलर की हो जाती, वो अपना कलर छोड़ देती, और जो मार्केट वाला टेक्सचर है वो इस सब्जी में बिल्कुल भी नहीं आता। और ये खाने में इतनी टेस्टी है कि आपको बस मज़ा आने वाला है। आप इस आलू की सब्जी को और मक्के की पूरी को इस सीज़न में ज़रूर बनाइएगा। हमारा जितना भी खाना देसी होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो फ्लेवरफुल होता है और साथ में वो ताकतवर भी होता है। अगर आपके बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो अब की बार आप इसे ज़रूर बना के खिलाइएगा, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करने वाले हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मक्के की पूरी के साथ, साथ में रखा है मूली और गाजर और हरी मिर्च का अचार। और आप भी इसे ज़रूर बना के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये थाली पूरी कैसी लगी। और हमें देखने के लिए, हमें प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सुबह ठीक 11:30 बजे।